प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती है? पूछेगा कि एक जीव जब लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज नींद है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई कि जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है इससे तो भी ऐसे कार्य हो सकती है इसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है वो एक ही हद तक पड़ेगा, एक अगर आम का पेड़ है तो एक ही हद तक पड़ेगा, आम में सेब नहीं लगेगा। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य कहते हैं। इसको बहुतों ने लालन साहब की आज शताब्दी है, उनको नमस्कार करके हम कहते हैं, उन्होंने कितनी बार इस बात पर कहा, ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए काहे जंगल में जाते, कहाँ जाते, तुम्हारे हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को प्राप्त। उन्होंने खुद का सहज समाधि लागू, समाधि माने ये जो उसी दशा हमारे चेतना की है वो सहज होती, उसमें ये नहीं कि ये करो वो करो, खुद भी करने की जरूरत अपने आप को। और आज का बड़ा भारी दिन है, ये कहते हैं कि इसका नाम गुरु राम था, और यहाँ पर नाना साहब के शताब्दी पर हमें आना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात। आज गुरुओं पर कहने की बात ऐसी आ गई है कि कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग, अपने बुद्धि चलाने और सोचना चाहिए। ईसा मसीह को 30 रुपए में बेच डाला गया, क्या उन्होंने किसी से रुपए इकट्ठे किए? ये लोग आपसे रुपए इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, और ये रुपया इकट्ठा करने का धंधा कोई भी परमात्मा का मनुष्य नहीं करता, उसको नहीं समझना। जैसे ये पृथ्वी माता है उसी तरह से उसका हृदय होता है, वो सिर्फ देना ही जाता। ऐसे समझ से अगर आप करें, क्योंकि इन्होंने पिछले साल मुझे बताया था यहाँ बहुत से लोग किसी गुरु से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने सब हमारे इतने भी एडवर्टीजमेंट लगाए थे, वो सब उन्होंने फाड़ा थे, इतने फोटोग्राफ लगा के सब फाड़ा थे। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखा। अब आंखें खोल लेती हो, कबीर दास जी ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, ऐसे कैसे हार करके बैठे। वो लोग हार गए उस वक्त, वो किसी नहीं थी कि लोग सुने इस बात को, जाने कि पहले सत्य को प्राप्त। बहुत ही कम लोग थे, बहुत कम लोग, और उन लोगों की एक स्थिति ऐसी थी जैसे नामदेव महाराष्ट्र के एक दर्जी, और उनकी एक विशेषता थी कि उनकी जो नौकरानी थी वो भी साधु थी, साधु। तो वो फिर पंजाब में आए तो गुरु नानक साहब ने उनको पहचान लिया, क्योंकि पहचान तो उन्हीं से हो सकती जो स्वयं पहुंचे हुए हैं, इनको प्राप्त हुआ है परमात्मा का आशीर्वाद। जो आत्म साक्षात्कार वही आत्म साक्षात्कार को पहचान। रामदेव एक बार एक गांव में गए, वहां पर एक कुम्हार, मैंने आते आते आपके कुम्हारवाड़ी देखी तो मुझे उनकी याद आ गई, तो गोरा कुम्हार करके एक कुम्हार थे, वो भी साधु थे। तो जब देखा उनके खड़े थे वहां, जाकर के देखा कि वो अपनी पांव से मिट्टी को तोड़ रहे, उसको देखते ही साथ नामदेव एकदम हताश खड़े, और खड़े वो कहते हैं मराठी में है, निर्गुण आचार्य थी आलो सगुणा, माने निर्गुण को देखने आया था, हमें सदगुरु पहले हुए उस प्रकाश को चैतन्य को देखने आया था, तो वो तो सगुण में तेरे अंदर खड़ा है। ऐसी पहचान एक संत की, संतों की पहचान, ये पहचान एक असंत नहीं करता। इतनी बड़ी बात कहना दूसरे के लिए
तेरे अंदर तो सारा सगुण में ही वो चैतन्य बराबर दिखा। और ये जो उनका कहना था वही बात आप देख सकते हैं कि नाना साहब ने उनको कितने इज्जत से अपने पास रखा। फिर वो पंजाबी और उनकी इतनी बड़ी किताब है पंजाबी भाषा रामदेव रामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और इसमें वर्णन किया कि निराकार क्या था। उस वक्त नानक साहब ने कहा कि अभी तो साकार की बात नहीं करो निराकार की बात, क्योंकि साकार की बात करो तो लोग फिर लगे मूर्तियों को पूजना ये करना वो करना, पर वो भी साकार की बात ही रहे। कहती हूँ अगर आप फूलों की बात करिए तो लोग फूल बैठक जाते हैं, अच्छा तो फूलों की बात मत करिए शहद की बात करिए क्योंकि आपको शहद को प्राप्त करना, तो शहद की बात शुरू करिए तो शहद बैठक। आपको एक मधुकर होना चाहिए, आपको एक दिल होना चाहिए जिससे कि आप में वो शक्ति आए कि आप उस शहद तक पहुंचे। ये बात उन्होंने सबने कही है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही, तुकाराम से रामदास से आदि शंकराचार्य से या कोई भी आप क्योंकि सबसे बड़े तो मैं कहती हूँ 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वर जी हो गए उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त हो। गीता में भी उन्होंने सबसे पहले कहा ज्ञान को प्राप्त, आप ज्ञान को प्राप्त करो, मैंने लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना तो कोई भी कर सकता, उससे कोई ज्ञानी तो नहीं होता। कभी तो देखा मैंने ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो इस कदर घमंडी इस कदर गुस्सैले और अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाते। कभी कभी दास जी ने कहा ना पढ़ी पढ़ी पंडित तब मूर्ख भए, पढ़ करके वो सोचने लगते हमें बड़े विद्वान है, हम ही जैसे कोई गीता लिखती है, हम ही सब रामायण जानते हैं, हम ही सब कुरान जानते हैं। और इसमें एक तरह की जो मद का नशा चल जाता है उससे आदमी देख भी नहीं सकता कि मैं जिसको कहना हूं ज्ञान वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक इसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है पशु नहीं जानता, वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानता है। ज्ञान इसे ज्ञान को ये बोध ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया बोध, बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई कि हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसके जो कुछ चीजें हैं उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप बैठे आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अभी आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता क्योंकि आप अपने आंख से इसे देखते अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रथ हूँ और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना भी इसमें कोई है? सब नाटक। और इसलिए एक मात्र रिश्ते मैं आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर रहें। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत